जल्दी मेरा घर ठीक हो जाएगा और भाई कमांड लगी है और इधर तो कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। लेकिन लड़ाई क्यों हो रही है? लड़ाई तो कोई होनी नहीं चाहिए क्योंकि अज जिम्मेवारियां सारे नु दे दित्तियां गईयां ने। नवजोत सिद्धू जी उन्होंने प्रधान ने और चन्नी जी साडे मुख्यमंत्री बना दिते गए ने, मानयोग मुख्यमंत्री साहब जिन्होंने पिछले 7-8 दिनों बहुत सोहना काम किया और जिन्हें जिहड़े पब्लिक दे फेवरेट फिगर बनते जा रहे हैं। और सिद्धू साहब पहले ही लोगों के बीच ने, लोगों लोग इन्हों प्यार करते हैं। तो हुण तो आपां नूं जिहड़े मुद्दों पर आप कैप्टन साहब नूं उतारिया सी उन्हां मुद्दों नूं हल करन वाले बन्ने तुरना चाहिए, उच्च रिजाइन नहीं सी करना चाहिए। जिहड़ा जिहड़ा मुद्दा सिद्धू साहब ने रख्या आ, मेरा मनना है कि जे पार्टी लैवल से आप पार्टी प्रधान होंदया होया सीनियर लीडरशिप नूं बुलाउंदे, जिहड़े साबका प्रधान ने अपने हंसपाल जी ने, के पी जी ने, पठल जी ने, अपना प्रताप बाजवा ने, होर भी सीनियर बंदे बहुत ने और नाल जिहड़े समझदे हो कि आह 10-12 बंदे कुछ मैंबर पार्लीमेंट ने भी ये बंदे जिहड़े ने ये मतलब थिंक टैंक ने, इन्हों बुला के गल उन्हां सामने रख दे भी आह जिहड़े कुछ मुद्दे ने मेरे मुताबिक कुछ सही नहीं होए, क्योंकि वो एक फादर फिगर जिहड़े सिद्धू साहब ने कि वो उस पार्टी के माई बाप उन्होंने मतलब मेन लीड दे के भेजता कि तुसीं पार्टी का सारा कुछ चलाना है। हुण उत्थे ते सलाह नहीं हुई, किसी नाल गल नहीं की गई तो आप रिजाइन कर देंगे, ये नाल नुकसान किहदा हुंदा जिहड़ा वर्क रहा थले, जिन्हें 50-50 साल पार्टी को ब्लड दिता, जिन्हें बंदियां ने 50-50-18 तो भी साल तो कि 100-100 साल हो गया परिवार पुत्र मतलब परिवारदार परिवार उस पार्टी तुरे आउंदे ने, उन्हां दा नुकसान हुंदा है। आपां नूं मसले हल करन वास्ते बनाया गया, ना कि रिजाइन करन वास्ते। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि तुहानूं रिजाइन वापस लैके ये मसला पार्टी के जिहड़े सीनियर लीडर उन्होंने बह के विचार लेना चाहिए कि आह अपॉइंटमेंट गलत हुई है, जो जिहड़े मंत्री बन गए उन्होंने अक्सैप्ट करना चाहिए। हुण सारा कुछ मेरे मुताबिक नहीं हुंदा, सारा कुछ किसी के मुताबिक भी नहीं हुंदा, एक कुदरत दा निज़म है। हर तरह के लोग ने, हर सुभा के लोग ने, पार्टी हर पक्ष देखना पैंदा। चलो जे हो गया उन्होंने अपन अक्सैप्ट करके अगे चलना चाहिए। हुण क्योंकि राणे गुरजीत की नियुक्ति के नाल तो कोई उहदे ते इफेक्ट नहीं असर नहीं पैना। जे ड्रग्स वाला केस हल करना, माइनिंग वाला हल करना, तुसीं बिजली के समझौते हल करने ने, तुसीं बरगाड़ी हल करना, उहदा ते इत्थे कोई असर ही नहीं हैगा। जिहड़ी चीज़ का असर है उस चीज़ पर फोकस करके पार्टी के अंदर बह के गलबात करके, हाँ नहीं हल हुंदा हो सकता जो नवजोत सिद्धू कल्ले ने अज जा चार बंदे ने, हो सकता अद्यों ज्यादा पार्टी नाल खड़ी हो जाती भी यह बिल्कुल गलत होया, क्योंकि सारे बंदे सच तो भजदे थोड़ा आ, सारे बंदे चाहते हैं मसले हल हो। सो इनू बजाए ये रिजाइन करन दे, मेरा मनना है कि पार्टी के उत्थे बैठ के पार्टी प्रधान साहबान बुलाउन, उन्हां दी राय बिल्ट करन और राय दे नाल, और मेरा ख्याल मुख्यमंत्री साहब भी ना नहीं करनगे जो कोई गल हो गई है तो वो ठीक हो सकती है। कोई इहो जिहा काम तो हो नहीं गया कि जिहड़ा हो गया जी हुण ते बदलिया नहीं जा सकता, बदलिया जा सकता। लेकिन जब नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का ट्वीट सामने आया कि मैं पहले ही कह रहा था कि इस बंदे पे विश्वास करना गलत है। उन्होंने पहले क्या वा हूँ, देखो उन्होंने उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय रखी है क्योंकि उन्होंने एक हाव भाव है, वो पुराने तजर्बेकार लीडर ने, पर मैं कह रहा कि उन्होंने सब कुछ करने तो बाद पार्टी ने प्रधान बिठा बना दिता ना, हूँ तो आप एक्ट करके दिखा, हूँ जो आप एक्ट सही नहीं करा तो कुदरती गल है वो ट्वीट करे कि जो मैं कहना वो ठीक है। आपू अपने जी आप जिम्मेवारी मिली है, मेरा मनना है कि उन्होंने सही निभा चाहिए। लेकिन जिस तरीके से 2022 में विधानसभा चुनाव हुए, लगता नहीं कि जो घमासान मचा हुआ है पार्टी को नुकसान होगा चुनाव के अंदर? देखो पार्टी का नुकसान तो कोई नहीं है, नुकसान इस गल का जरूर है भी जिहड़ियां आपां गल्लां करके कप्तान साहब नूं उतारिया, आपां नूं टारगेट उस बन्ने तुरली चाहिए कि वह किदां करना, आपां नूं ना कि कोई पोलीटिकल बदलियां करो, ना कि कोई ट्रांसफर करो, हाँ करनियां ने जो तुम एक दिन बैठ के सारे विचार कर लो, कैबिनेट तुहाडी कोल बैठी बन गई है, कैबिनेट के नाल विचार करो भी आह चीज़ां चाहीदियां ने आह चीज़ां नहीं चाहीदियां। हाँ जे उत्थे नहीं हल हुंदा फिर तुसीं पीसीसी प्रधान जी मीटिंग बुला लो, सीनियर लीडर संबंधी बहुते नाम ही बुलाओ, तुसीं सीनियर लीडर बुला लो 15-20 जिहड़े बंदे ने, जिहड़े एक्स प्रैजीडेंट ने जां होर भी सीनियर बंदे मैंबर पार्लीमेंट ने, उन्होंने बुला लो भी आह आह वाह दसो तुहाडी राय की आ, वह राय लै के हाई कमांड कहो क्यों नहीं होएगा, हर चीज़ का मसले का हल हैगा, पर अस्तीफे देना हल नहीं हैगा, काम करना पैना, काम करके आप इन्हों अंदर दीए किसी तरीके, जिहड़े तुसीं बाद जिस करके कप्तान साहब नूं उतारिया, सारे मंत्री साहबान का भी यह सी कि 4 दिन के विच असीं सरकार मसले हल कर सकती, बरगाड़ी इशू तो हल हो सकता, दूजे तो हल हो सकता, अज आपां नूं उहनां ते काम करके दसण की लोड़ है, नहीं तो सवालिया निशान साढ़े ते भी आऊगा कि तुहाडे मुताबिक बदल दे दिता कप्तान तो उतार दिता, तो फिर हुण आपां किधर नूं जाणा, हुण आपां हल करके दिखाईए, हुण चन्नी जी का साथ दईए। चन्नी जी ने 10 दिनों के विच एक अपनी पैठ बना ली है, जगह बना ली अपनी दिलों के अंदर सधारण और बड़ा आम लोगों की तरह विचर के, अज उन्हें स्ट्रेंथन करिए, तगड़ा करिए, मुख्यमंत्री वो तगड़ा हो, प्रधान तुम तगड़े हो, तो आप सरकार बनाइए भाई जाके। रमनीत सिंह बिट्टू का नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए चल रहा है, क्या लगता है कि आप सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, देखो एक हाईकमांड का फैसला है, रमनीत बिट्टू होना 300 दिन हो गए सानू इत्थे धरने ते बैठे,
शुरू किया ही तुहाडे सामने फुटपाथा ते सुते हैं, पर हाई कमांड जिन्हों भी बनावे असी नाल है, रवनीत बिट्टू बनावे मैनूं बहुत खुशी है, पर जे पा हाई कमांड जो भी फायदा हुण रवनी चन्नी इन्हां नूं भी बनाया सी, नवजोत सिद्धू हुणां नूं जदों तक नहीं सी बनाया उदों गल होर सी, पर जदों बनाता सभनां ने एक्सैप्ट किया, किन्ने नहीं एक्सैप्ट किया। सो ये पार्टी का मतलब फैसला पार्टी ने करना, हाईकमांड ने जो भी फैसला करेगी असी खुश हैं, और रवनीत बिट्टू हुणां दे असी धरना सारे ने इकट्ठा चलाया तो बहुत खुशी की हो सकती है।